ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो उनके बेटे की अंतिम यात्रा तक तो पहुंचती है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो मैम, ऐसे आपकी लाइफ में क्या मोमेंट्स थे जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे देश के जवानों के लिए कुछ करना है? जब किसी भी जवान की अंतिम यात्रा होती है ना, आप देखेंगे भीड़ लग जाती है बहुत, और उस भीड़ के बाद, जितनी भीड़ होती है ना, उसके बाद 5वें दिन के बाद परिवार में कोई झांकता भी नहीं है कि फैमिली कैसे रह रही है। तो एक पॉइंट पे आके ना वो लोग ना ऐसे टूट जाते हैं अंदर से, उनको लगता है कि अब हम कुछ कर भी लेंगे तो हमारा बेटा तो वापस नहीं आएगा। बूढ़े माँ बाप चंबल घाटी में रह रहे हैं, वीरांगना, उनकी वीरांगना को सब कुछ मिला, परिवार को कुछ नहीं मिला, आज भी वो झोपड़ी में रह रहे हैं। दूसरी बात, स्टेज पे खड़े होके बोली थी ये बात, या तो मुझे बड़ी नौकरी दो या फिर मुझे पॉलिटिक्स में उतारो। ओह, मैं एक शहीद की वीरांगना हूँ कि भाई मुझे नीम करोली बाबा ले चलो, जून का टाइम था। उस तस्वीर को देख के ना बस लिटरली रो रही थी मैं, 1.5-2 घंटे रोई। तो मैंने बोला ना कि हो गई मैं इतनी इमोशनल, थी नहीं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देशवासियों की लाइफ में रोशनी भरने के लिए हमारे जवान अपने परिवारों को छोड़कर शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवारों का भी ध्यान रखना हमारा फर्ज है। आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि आज के जो स्पेशल गेस्ट है वो हमारा देश, हमारे जवान ट्रस्ट से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने शहीदों के परिवारों की दुख दर्द समझे, उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिसेस भावना शर्मा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया मैम, आप आज यहाँ पे आए हैं, हमारा तो औहदा ही बहुत ऊंचा हो गया है। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, ऐसा लग रहा है कि आज कुछ डिफरेंट तरीके की बात करेंगे, और एक ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि चीज़ों पे बात करने वाले हैं जिसका मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था कि मैं इतना जल्दी करूँगी, बट हेड्स ऑफ यू जो आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मैम, मैं तो आपको जानती हूँ या हम तो आपको जानते हैं, लेकिन पूरा भारत देश आपको जानना चाहता है। हमारा देश, हमारे जवान ट्रस्ट क्या है और क्या करते हैं? हमारा देश, हमारे जवान ट्रस्ट एक सैनिकों का ट्रस्ट है, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, क्योंकि ये ट्रस्ट शहीद परिवारों को नमन करता है, साथ साथ जितने भी शहीद परिवार की बेटियाँ हैं उनकी शादी करने में योगदान देता है। अरे वाह। शहीद स्थल अगर कोई बनवा रहा है और हमें बताता है, हम उनको सहयोग करते हैं, योगदान देते हैं वहाँ पर। अगर कोई भी आफ्टर शहादत परिवार को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम उस परिवार के साथ खड़े रहते हैं। वेरी नाइस। तो हमारा देश, हमारे जवान ट्रस्ट ये सारे काम करता है शहीद परिवारों के लिए, और सेवारत सैनिकों के लिए अभी हमने पुरानी पेंशन बहाली की जो है मांग जो है सुप्रीम कोर्ट पे उठाई थी, और होपफुली कि हमारी CAPF को, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स को, पुरानी पेंशन में लाकर खड़ा कर दिया जाए। वेरी नाइस। तो ये काम कर। तो मैम, इस ट्रस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? इस ट्रस्ट की शुरुआत जो है ना 2009 और 2010 के बीच में हुई है। जो मेरे साथी है धर्मवीर डांगी, वो और हम लोग, क्योंकि वो आर्मी से है, मैं आर्मी से नहीं हूँ, ओके, लेकिन हम लोग काफ़ी बातें डिस्कस करते थे। दूसरा मेरा जो ननिहाल है वो उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड IMA है, IMA के पास थोड़ा सा आगे जाके मेरे नाना, मेरी मासियाँ रहती है, तो हमेशा IMA के आने, मतलब सामने से आना जाना मेरा होता था, तो बड़ा लगता था कि कुछ तो है अंदर, सैनिक ही सैनिक दिख रहे हैं। तो वहाँ से भी एक कहीं ना कहीं माइंड मेरा मेकअप हो गया था कि लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो सैनिकों के लिए करूँगी। तो फिर धर्मवीर सर से हमारी खूब सारी बातें होती थी, तो 2009-10 में हमने सोचा कि हम शहीद परिवारों के लिए काम करते हैं। अच्छा। हाँ, 2009 में तो हमने धीरे धीरे शुरुआत कर दी, जो पहले थोड़े लेवल पे करी, फिर थोड़ा सा और दिल्ली से बाहर करी,
तो अभी हम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, सिलीगुड़ी, उत्तर प्रदेश, ऐसे तमाम राज्यों में जो शहीद परिवार हैं उनमें से काफ़ी हद तक हम उन्हें नमन कर चुके हैं। वेरी नाइस। कितने लोग काम करते हैं मैम आपके ट्रस्ट पे? देखिए ऑफिशियली तो मैं और धर्मवीर सर हैं, पर वॉलेंटियर हमारे पास 250 से 300 लोग हैं। 250 से 300? हाँ, जैसे कि हमें प्रोग्राम करना है राजस्थान में, तो हम यहाँ से पूरी टीम अगर लेके भी जाते हैं तो वहाँ पे अरेंज करना, लोगों को इकट्ठा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ के लोकल जो भी यूथ होता है या जो भी संगठन होते हैं उनसे बातचीत करके वहाँ अरेंजमेंट कराते हैं हम लोग, और फिर वहाँ जाके एक ही मंच पे कई शहीद परिवारों को एक साथ करके नमन करते हैं। तो वो उसमें रहता क्या है, मतलब आप पहले किसी से कनेक्ट करते हो या कैसे वो ऑर्गेनाइज करते हो? कनेक्ट तो ऐसा है कि ये ईश्वर की मेर है हम सबके ऊपर, हमारे ट्रस्ट के ऊपर, कि जब हमने शुरुआत करी थी ना तो बहुत से युवा हमारे साथ जुड़ गए थे, ऑन ड्यूटी सैनिक जुड़ गए थे। तो मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती चली गई। फिर हमने डिसाइड करा कि अब हम दिल्ली से बाहर जाकर भी उन परिवारों को देखेंगे, उनको नमन करेंगे। शायद जहाँ तक जनता सिर्फ उनके बेटे की अंतिम यात्रा तक तो पहुँचती है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो वही कनेक्टिविटी बढ़ते बढ़ते कई युवा इकट्ठे हो गए हमारे साथ, दीदी हमारे यहाँ पे करो, दीदी हमारे यहाँ पे करो, तो इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। वेरी नाइस। और आपके ट्रस्ट का अगर हम मेंबर बनना हो, किसी को भी बनना हो, तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है? हमारी वेबसाइट है जो आपको मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा लिंक। तो वहाँ पर एक फॉर्म आता है, मेंबरशिप फॉर्म, आप उसको फिल कर दीजिए अपने पूरी जो भी आपका डाटा है उसके साथ। थोड़े दिनों बाद हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी और आपको, आपसे पूछेगी कि आप मेंबर बनना चाहते हैं, आपके आसपास किसी गांव में, किसी भी शहर में कोई शहीद परिवार है तो हम वहां पे प्रोग्राम करने आते हैं। आपको इस तरीके से पूरा फॉर्मेट समझाया जाता है, तो आप इस तरीके से हमारे मेंबर बन सकते हैं। ठीक है। हाँ, मेंबरशिप फॉर्म भर के जी। ठीक है। तो मैम, ऐसे आपकी लाइफ में क्या मोमेंट्स थे जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे देश के जवानों के लिए कुछ करना है, और क्या वो थॉट आया उस वक्त कि मुझे इसी में ही चैरिटी वर्क करना है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी माँ उत्तराखंड से है जी, तो वहाँ पर काफ़ी सैनिकों को मैंने आना जाना देखा है। मैं बहुत जाती हूँ, मेरे को आज भी पहाड़ों से बहुत प्यार है। और दूसरा ना, अगर हम अपनी निगाह घुमाते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम ही हैं सिर्फ, हमारे अलावा भी बहुत ऐसे कुछ संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक शहीद परिवार है जिसकी तरफ भारत सरकार या हमारे भारत के लोग कम ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा? ऑब्जर्व किया, बिल्कुल बताऊंगी। देखिए, जब किसी भी जवान की अंतिम यात्रा होती है ना, आप देखेंगे भीड़ लग जाती है बहुत, और उस भीड़ के बाद, जितनी भीड़ होती है ना, उसके बाद 5वें दिन के बाद परिवार में कोई झांकता भी नहीं है कि फैमिली कैसे रह रही है। ये मैंने खुद देखा है। आपने कहाँ ऑब्जर्व करी ये चीज़? हमारे उत्तराखंड में शहीद हुए थे मेरी मासी के घर के पास, संतोष जी। तो मैंने देखा कि बहुत भीड़ आई है, मीडिया आई है, लोकल विधायक आए हैं, सांसद आए हैं, आईएएस ऑफिसर आए हैं, लेकिन 5-6 दिन बाद वो भीड़ भी गायब और वो सारे बड़े बड़े नेता सब गायब। और 10वें दिन ऐसा हो गया था उनके घर पे जब मैं गई कि वो अकेले बैठे, अरे वो जो भीड़, जो मीडिया थी वो कहीं नजर नहीं आई। तो तब थोड़ा सा डिसाइड किया कि अगर कुछ करना है लाइफ में तो मैं सैनिकों के लिए करूंगी, शहीद परिवारों के लिए करूंगी। वेरी नाइस। क्योंकि सैनिक तो अपनी आवाज उठा नहीं सकते ऑन ड्यूटी की वजह से, और शहीद परिवार जिसने अपना बेटा खोया है वो कहाँ तक लड़ेगा? बिल्कुल, है ना। तो वो एक पॉइंट पे आके ना, वो लोग ना ऐसे टूट जाते हैं अंदर से, उनको लगता है कि अब हम कुछ कर भी लेंगे तो हमारा बेटा तो वापस नहीं आएगा, हमारा पति तो वापस नहीं आएगा,
सो उनकी एनर्जी लेवल जो इतना बूस्ट अप हुआ होता है वो सारा का सारा डाउन हो जाता है, और उसी डाउन एनर्जी में आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो लड़े अपने हक के लिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थॉट्स वहीं से आया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे सहयोगी है धर्मवीर सर, वो आर्मी से है, तो ऐसे ही उन्होंने कई कहानियाँ मुझे बताई थी जो मुझे इमोशनली बहुत इफेक्ट कर गई अंदर तक। एक कहानी अगर आप हमारे ऑडियंस को बता दें तो शायद वो इंस्पिरेशन हमारे अंदर भी जाग देगी। मैं एक कहानी, ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ, पर हाँ मैं एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगी कि जैसे मेरी बात होती थी तो मैंने देखा था कि कई बार दिवाली पे सैनिक घर नहीं आते थे। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी नॉर्मल सी बात लगती थी, बिकॉज मैं उतना डीपली तब तक गई नहीं थी, छोटी भी थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी यूनिट में ना एक बंदा है जो पिछले 6 साल से दिवाली नहीं जा पा रहा, दिवाली पे घर नहीं जा पा रहा। 6 साल से ड्यूटी कहीं ऐसी जगह लग जाती है, छुट्टी होने में प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेंथ कम है, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बताई। तो लगता था कि अगर मैं और आप, दिल्ली में हमारा परिवार है, हम मुंबई काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दिवाली एक ऐसा त्यौहार है बड़ा कि हर कोई चाहता है हम अपने घर जाके सेलिब्रेट करें, सिर्फ इकलौता दिवाली के साथ त्यौहार होता है। और आप एक बार मुंबई से नहीं आ पाए कि आपको ऑफिशियली छुट्टी नहीं मिली या वर्क लोड ज्यादा है, तो आप अगले साल पक्का कोशिश करेंगे कि आप दिवाली पे आए। हाँ बिल्कुल। पर ऐसे तमाम सैनिक हैं जो 3-3, 4-4 साल तक दिवाली अपने घर नहीं मनाते, सरहदों पर या आंतरिक सुरक्षा में बैठे हैं, नक्सलवाद में वहां पर मनाते। अरे उसके अलावा बाबा हरभजन की बात करूंगी। बाबा हरभजन की कहानी तो ऐसी है जो मुझे लगता है सभी को सुननी चाहिए। बाबा हरभजन एक एक्सीडेंटली डेथ हुआ था उनका, लेकिन आज भी चाइना वालों ने उन्हें देखा है, वो आज भी ड्यूटी देते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक वो शहीद होके चले गए लेकिन आज भी देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। उनका मंदिर है, मंदिर में जल मिलता है कि अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण होता है, और वहां पर मैंने ऐसे सुना है कि वहां के जो मंदिर में जो दान आता है, अच्छा, जो दक्षिणा आती है, उसको उठा के यदि गांव में किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती है शादी के लिए, घर के लिए, तो वो दिया जाता है उधारी तौर पे, और फिर वो वापस अपने समय से धीरे धीरे करके दे सकता है, यानी कि वो सहयोग करते हैं उस गांव को बढ़ाने में। वेरी नाइस। तो मैंने ऐसा सुना है। बाबा जसवंत के बारे में सुना है कि एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 72 घंटे लड़े है वो, तो ये जो आज भी उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जो आत्मा है वो आज भी उस सरहद पे, उस मिट्टी पे, उस पहाड़ पे खड़ी है जो पूरे देश को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ऐसी तमाम कहानियां हैं जो मैंने उनसे सुनी है, और मेरी अभी किस्मत नहीं हुई कि मैं उस जगह जा पाऊँ। बिल्कुल। ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं जल्दी उस जमीन को छूँ। हालांकि मैं लोंगेवाला और तनोट माता मंदिर गई हूँ। मैंने उनको बहुत करीबी से देखा है और वो जमीन को छू के आई हूँ। आप यकीन करना हिमानी कि जब आप तनोट माता मंदिर जाएंगे ना, तो जो किताबों में पढ़ा था ना कि इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी मतलब वहां पर खरोच नहीं आई मंदिर में, आप फील करेंगे वहां पर। कहाँ पे स्थित है मंदिर? जैसलमेर। जैसल। हाँ, तो आप उसमें जो एनर्जी है ना माता की, और BSF जो है वो वहां पर तैनाती देती है, आप शाम की आरती ले लीजिए, आप में एक अलग एनर्जी आ जाएगी, बॉडी पूरी प्योर हो जाती है। और आज भी वहां पे मिसाइल के जो है मिसाइल पड़ी है जो जिंदा है। अरे और अभी भी वहां पे कुछ जैसे मिसाइल के निशान है जो आप देख सकते हो, और आप उनको महसूस कर सकते हो कि इतना बड़ा युद्ध होने के बावजूद भी मंदिर बिल्कुल सही सलामत है। That's God the power, मतलब God की जो पावर है। कुछ एनर्जी तो देखो है सैनिकों के साथ रहती है। मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ, साइंस इसको पॉजिटिव एनर्जी बोलता है, हम गॉड बोलते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी मंदिर में खरोच तक नहीं आई। इसी वजह से लाइक सैनिक भी आप खुद सोचो, बिना अपनी फैमिली सपोर्ट या किसी भी चीज़ की वजह से वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, जैसे ही कभी कोई युद्ध आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ अनमिस हैपनिंग हो जाए,
पूरा डट के तैयार रहता है, नहीं तो बंदा डिमोटिवेट हो ही जाता है यार, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है या डिसिप्लिन इतना होता है. बट वो एक पॉजिटिव वाइब ही है, जैसे आपने अभी बताया मंदिर के बारे में, तो वो है एक एनर्जी जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, बाकी तो दिखती तो नहीं है. नहीं आप मेरा सौभाग्य है, मैं तो यही बोलूँगी कि ईश्वर ने मुझे ये रास्ता दिया मेरे जीवन में कि मैं बहुत, मेरे परिवार से कोई सैनिक नहीं है, मैं सैनिक परिवार से हूँ नहीं, लेकिन इतने करीबी से मैंने सैनिकों को, उनके त्याग बलिदान को, उनके उनकी फैमिली को, उनके संघर्ष को जाना है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ हमारे लिए कोई करता है तो हम उसे बोलते हैं वो हमारे लिए भगवान का रूप है, राइट? बिल्कुल. जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, हाँ जी, हमें कोई बचाता है रोड पे चलते हैं, हम कहते हैं भगवान का रूप है ना. लेकिन मैं कहती हूँ सबसे बड़ा भगवान का रूप जो है ना वो ये सैनिक है. बिल्कुल. चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर पैरामिलिट्री हो. बिल्कुल. आप यकीन करना, हमें जरा सी खरोच लग जाती है ना तो हम घर को गाएंगे, डॉक्टर पे जाएंगे. मैंने ऐसे ऐसे इन सैनिकों को देखा है, करीब से महसूस किया है कि इन्हें खरोच क्या, बुखार क्या, जोक नहीं होती, जोक तक लग जाती है, फिर भी ये चल रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं. तो कभी कभी लगता है क्या इनका पेट दर्द नहीं होता, इनका सर दर्द नहीं होता. स्टार्टिंग में लगता था जब मैंने ये जर्नी शुरू करी है, अभी तो ये सारे मेरे भाई है और अपनी आप बीती बताते रहते हैं, तो लगता था कि यार ये कैसे लोग हैं, गए तो हम में से ही है, पर मेंटली इतना स्ट्रांग. आप फिजिकली हो सकते हो स्ट्रांग, ठीक है, मेंटल कहते हैं, मेंटली जो स्ट्रांग हो गया ना उसको आप हरा ही नहीं सकते. बिल्कुल. तो ये मेंटली इतने कैसे स्ट्रांग है. तो कभी कोई मुझसे भी बोलता ना, आप क्या सैनिकों को मोटिवेट करते हो, मैंने कहा मैं क्या, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि उन्हें मोटिवेट कर सके, उनके अंदर इतना जज्बा है कि हमारी तो औकात ही नहीं है. बिल्कुल. तो बस ये कह लीजिए कि मेरा सौभाग्य और ईश्वर की देन. बिल्कुल. आप मानेंगे, मैं कभी सड़क से जा कहीं भी जा रही हूँ बाहर, जब आर्मी की गाड़ियां रेगुलरली एक साथ निकलती है ना जी, गूज़बम्स आ जाते हैं देख के, अपने आप हाथ यहाँ पहुंच जाता है उनको सल्यूट करने के लिए. सो वो फीलिंग शायद हम ना किसी को बता सकते हैं, वो हमारी बॉडी में खुद जनरेट हो जाती है. हाँ. बट आपका जो काम है, मैं तो सोचती हूँ अगर इसमें मैं थोड़ा सा भी घुस गई तो मुझे तो वो चीजें और ऐसे लग रहा है कि अभी निखर के आएंगी, मैं खुद आऊंगी कि मुझे भी हेल्प करनी है यार, मुझे भी आपके साथ जाना है. रियली हेड्स ऑफ टू यू मैम, जो आप काम कर रहे हो. लेकिन मैम जब आपने ये काम शुरू किया, फैमिली की क्या सपोर्ट मिली आपको, और फैमिली सपोर्ट में थी या नहीं थी, जब आपने पूरा क्लियर होके ये बोल दिया था उनको कि मुझे इसमें एक चैरिटी वर्क शुरू करना है जवानों की फैमिली के साथ. देखिए शुरुआती दौर पे तो, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया है कि मैं सैनिक परिवार से हूँ नहीं, मेरा दूर दूर तक मेरे घर में कोई सैनिक नहीं है, तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे घर वाले बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ज़्यादातर आप देखेंगे लोग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, पर ऐसा हमारे परिवार में भी नहीं है कि जिससे इसने कुछ देखा हो, सीखा हो, फिर ये इस रास्ते पे क्यों चलेगी. हाँ, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. तो कई तरह की बातें, रिलेटिव जो होते हैं ना वो कई तरह की बातें बनाते हैं, तो कई तरह की बातें बनी मेरे पे. हाँ. कि पता नहीं इस पे कुछ हो तो नहीं गया, पता नहीं इसको कुछ है तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा. आप जानते हैं ना कि जब एक लड़की महिला आगे बढ़ती है तो 50 तरीके की, सिर्फ वो अपने इंटरनली संघर्ष को फेस नहीं कर रही होती कि जो अंदर चल रहा होता है, वो बाहरी जो संघर्ष जो वो देख रही होती है या समझाने की कोशिश करती है अपनी भावनाओं को, उसको जो झेलती है ना वो, तो वो दोनों जगह से मारी जाती है, बाहरी भी और अंदरूनी इंटरनली भी. तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं बहुतों को समझाई कि सिर्फ मेरी एक जर्नी है, मुझे करना है, मेरा दिल कह रहा है. और हिमानी मैं हमेशा मानती हूँ कभी कभी ना आपकी लाइफ में आपको किसी क्यों के जवाब नहीं मिलते. मेरी लाइफ में भी यही है. मैं इस रास्ते पे आई, किस लिए आई, क्यों आई, कहाँ तक जाऊँगी, किस वजह से आई, कुछ इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है. स्टिल मेरे पास नहीं है, मेरे को इतना समय हो गया. तो स्टार्टिंग में यही हुआ कि बहुत सब बहुत हैरान हुए, परेशान हुए, बहुत क्वेश्चन उठे, कई तरह का मेंटली टॉर्चर भी कह दीजिए हुआ है. एब्सोल्युटली. हाँ, कि मेंटली ऐसा होता है कि आपको बातें सुनाई जाती है, क्या रीज़न क्या है बताओ आप. लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे फादर मेरे को बहुत अच्छे से
समझते हैं, मदर भी समझती है, मेरे अंदर जो धैर्य है वो मेरी माँ से आया है और जो जिदपना है ना वो मेरे अंदर मेरे फादर से आया है। तो मेरे फादर ने थोड़ा सा फिर थोड़े टाइम बाद बोला कि ये रुकेगी नहीं, ये जाएगी, तो अब तुम कुछ भी बोलो ये निकल गई। तो ये जो उनका स्टेटमेंट था ना मेरी लाइफ को बहुत चेंज कर गया। अरे वेरी नाइस। फादर ने बस ये बोल दिया, मैं जानता हूँ मैंने पैदा किया है, अरे ये नहीं रुकेगी, ये चली गई। फिर घर वालों को क्लियर हो गया था? फिर तो एक टाइम बाद मतलब उन्हें ऐसा प्राउड फील होने लग गया जब हमारे काम जो है मीडिया ने, बहुत मीडिया का धन्यवाद, सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इन सबका धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा हमें सपोर्ट किया। तो जब देखते थे वो घर पे या उनको कोई फ़ोन करता था, अरे तुम्हारी बेटी तो वहाँ पर आ रही है, तो ऐसे बोलते थे अच्छा आज तो बहुत अच्छा काम करके आए हो। सो स्वीट। तो वो एक टाइम बाद सब हो जाता है और वो जरूरी भी है, घर वालों को भी तभी दिखता है कि यार नहीं हमारी बेटी कहाँ थी, क्या सब उससे निकली थी और कहाँ पे पहुंची। हाँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी ना, प्रॉब्लम ये थी कि मैं किसी, मेरे परिवार से कोई सैनिक नहीं था। हाँ, तो ये जो इतने डार्क इमोशंस आए, मेरा परिवार सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हैरान था कि ये डार्क इमोशंस कैसे आए कि इसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बिल्कुल, मतलब कुछ और सोचती ही नहीं है। हाँ, मुझे लिखने का शौक है तो लिख भी उनके लिए रही हूँ फेसबुक पे। हाँ, छोटा सा भी कोई काम कर रही हूँ, कोई शहीद हो रहा है तो बड़ा सा पर्चा लिख दिया। हाँ, कि कहाँ है भारत के लोग, अंतिम यात्रा के बाद क्यों नहीं सोचते। तो उन्होंने बोला कि वो जो डार्क इमोशन है ना उसको लेके वो हैरान थे बस, और कुछ। हाँ, मैं आपकी वो वीडियोस देखती हूँ, आप शायरी गाते हैं, एक बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थॉट्स अपने प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छी थिंकिंग है मैम आपकी, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं और उसके लिए एक बड़ा क्लियर माइंड चाहिए, तभी हम वो चीजें लिख भी पाते हैं, सोच पाते हैं और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया में जी। तो मैम आपके ट्रस्ट में जो फंडिंग है वो कहाँ से आती है, आप खुद के पॉकेट से करते हो सब कुछ या आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का? देखिए, शुरुआत से लेके अब तक मैं और धर्मवीर सर हम अपनी जेब से कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक हाँ छोटा मोटा सपोर्ट मुझे मिला है, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं मिला, जो मैंने आपको बताया कि हमारे साथ अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कोई भी फंक्शन करने से पहले, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से या बड़े बड़े एसोसिएशन से हमें कोई सपोर्ट नहीं है अभी, तो कोई सपोर्ट नहीं। इवन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि एक टाइम ऐसा आया था कि हम, मैंने और धर्मवीर सर ने सोचा था हम दोनों ने कि चलो अब ना हम वो डोनेशन लेने चलते हैं बिकॉज बड़े लेवल पे काम करना है। तो ऐसे मैं कुछ ऐसा होता ना कि हम जैसे हमारे अंडर में भी कुछ एनजीओस है अभी बेटियों से रिलेटेड, तो हम उन्हीं बेटियों को, आपने वीडियो देखा होगा, तो उन्हीं बेटियों को लेके जाते हैं सैनिकों के बीच में, राखी करवाते हैं, दीपावली मनाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। हाँ, तो हमने भी सोचा कि हम बड़े बड़े जो ट्रस्ट है उन पे जाते हैं और थोड़ा सा अपने लिए सपोर्ट मांगते हैं कि आप हमारे साथ भी काम करें। तो सूरत गई थी और वहां पर बेइज्जती होके आई। किस वजह से? वो भी यही काम कर रहे थे सैनिकों का, पर उनका ये मानना था कि इस पूरे भारत में सिर्फ मैं ही काम करेंगे, मतलब हम लोग ही काम करेंगे, मेरा ही ट्रस्ट काम करेगा, तुम नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो वो बेइज्जती हुई, पर मैं जैसा हमेशा मानती हूँ कि जब मैंने ये जर्नी शुरू करी थी और अब तक बहुत लोग बहुत बातें बोलते हैं, पर मेरा लक्ष्य हमेशा साफ रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लोगों की बातें या लोगों के कटाक्ष बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, अगर कोई रोकेगा तो वो भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं। तो जब मैं वहाँ से आई तो काफ़ी मैं टूट गई थी क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी काफ़ी लोगों को, और मैं गई भी इसलिए थी सूरत कि वहाँ पर बड़े बड़े एनजीओज हैं जो छोटे एनजीओज को सपोर्ट करते हैं, तो मैं बहुत छोटी ही बन के गई थी, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। और अभी करंट में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट हमने गवर्नमेंट से और बड़े बड़े कंपनीज से अभी चल रहा है हमारा उस पर काम, आई होप कि वो मिल जाएंगे उनको, हमारी बातें, हमारी भावनाएं, हमारा समर्पण समझ आएगा। ऑब्वियसली जब हम उनको फ्यूचर का सब कुछ दिखाते हैं तो हर कोई सहयोग करने के लिए, जो अच्छा इंसान होता है वो रटे हो जाता है, कहते ना जिसको लगी मैं की हवा फिर ना उसे लगी कोई दुआ सही ना दवा।
तो जो लोगों के पास मैं गई थी उनको मैं की हवा ज्यादा है. अच्छा ओके. तो उन्हें ना कोई दुआ लग सकती है ना कोई दवा लग सकती है. उनको देखने वाला ऊपर वाला है. हाँ बस देखेगा वो, उनको रिजल्ट भी उनके वैसे ही मिलेंगे फिर. हाँ तो फंडिंग का तो ये मैंने आपके सामने रखी दी बात. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ये स्टेटस लोगों का सिर्फ दो ही दिन चलता है, एक रिपब्लिक डे और एक इंडिपेंडेंस डे. उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं जी. तो देश के जवान हमारे लिए कुर्बान हो जाते हैं जी, पर क्या हम उनको सिर्फ दो ही दिन याद करना चाहते हैं? ऐसा क्यों? देखिए मैं इसमें क्यों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगी, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं. हाँ लेकिन ये सही बात है कि दो दिन ही हम याद रखते हैं. उसका ना एक जो मुझे अभी तक इस जर्नी में समझ आया, जो मैंने फेस करा चीज़ों को, लोगों को और चुनौतियों को, वो ये कि लोगों के पास ना अपने इंजॉयमेंट के लिए अपनी चीज़ों के लिए बहुत टाइम है. हाँ जैसे कि आप अभी किसी नॉर्मल इंसान से आपके घर में पूछ लीजिए कि कौन सी नई मूवी आई है. वो सब बता, किस क्रिकेटर ने कहां पे छक्के मारे, छक्के मारे कितने मारे, कितने मारे और कब मारे, कब मारे, कब सेंचुरियां लगी, ये सब डाटा के साथ उन्हें नाम के साथ याद होगा, पता होगा. पर अफसोस की बात ये है हिमानी जी कि हमारे देश के लोगों को, यानी कि जिसमें मैं हूं आप भी हैं, यही नहीं पता कि हमारे देश की सुरक्षा में ऐसे बहुत सारे सुरक्षा बल खड़े हैं जिनकी पहचान हमें नहीं है. हमें क्या पहचान है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. आप किसी को भी देख लो ना, वर्दी पहनी होगी, बल्कि आर्मी वाला, आर्मी वाला, उन्हें ये नहीं पता ये बीएसएफ है, ये सीआरपीएफ है, ये आईटीबीपी है, ये एसएसबी है, ये सीआईएसएफ है, ये असम राइफल है. ये जो पैरामिलिट्री फोर्स में जो सुरक्षा बल आ रहे हैं ना, इनकी पहचान नहीं है. तो मुझे लगता है कि वो इसलिए भी नहीं है कि हमारे घरों में हमें सबसे ज्यादा क्या सिखाया जाता है कि आपको जिंदगी में कमाना है. कमाने के लिए आप पढ़ाई करो. बिल्कुल. पढ़ाई जब बच्चा करता है तो वो अपने आसपास का सर्कल देखता है जो उसी से रिलेटेड होता है. घरों में मम्मियां क्या बात करती है, नाटकों पे, फिल्मों पे. बिल्कुल. है ना? पापा क्या बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे, क्रिकेट पे. कभी भी कोई भी, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मेरा परिवार भी ऐसा ही है. ऐसा नहीं है कि मैं किसी को क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ, ये मेरे अपने थॉट्स हैं. कभी भी ये बात नहीं होती है कि यार हमारे बॉर्डर पे कौन सैनिक खड़े हैं, यार वो सैनिक आज शहीद हो गए, या इतना बड़ा अटैक हो गया. ये बात कभी कोई नहीं करता. तो जब हम घर पे बात ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से अवेयर होंगे? और यही बच्चे तो आगे जाके यूथ बन जाते हैं. और जब यूथ बनते हैं तो इनको नॉलेज ही नहीं होती कि देश की सुरक्षा की जो नींव है, जो देश की सुरक्षा में जो बेटे खड़े हैं, आखिर वो कौन कौन है. इतनी जानकारी तो हमें लेनी चाहिए ना. तो जो अभी आपने बोला कि हमें दो ही दिन याद रहते, दो ही दिन सिर्फ इसलिए याद रहते हैं क्योंकि आजकल स्टेटस बहुत चल गया है. बिल्कुल. आप सुबह उठेंगे, आपको मतलब नहीं होगा देश में क्या चल रहा है, सैनिक कौन सा शहीद हो गया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं. आप सोचेंगे अरे आज 15 अगस्त है, चलो भाई मेरे वतन के जय हिंद कर देते हैं. ठीक है. अगर कोई बड़ा हादसा होता है ना, अभी जैसे पुलवामा हुआ था, ऐसे हादसे ना ही हो तो अच्छी है, लेकिन मैं पुलवामा की बात करूंगी. पुलवामा हुआ था तो मैंने देखा था कि सोशल मीडिया ना, देखो एक बहुत बड़ा हादसा था, उसके बाद हमारे सीडीएस साहब बिपिन रावत के साथ जो हुआ उसमें 10 और हमारे जवान सैनिक शहीद हुए उनके साथ साथ. तो तब मेरे इंटरव्यूज काफी हुए, तब मैंने तब भी यही बोला था कि जब देश में कोई हादसा होता है ना, तभी हमें याद क्यों आती है कि हमारे देश में सुरक्षा में कोई सुरक्षा बल खड़े हैं, कोई सैनिक खड़े हैं, कोई बेटे खड़े हैं जो आज कुर्बानी देके चले गए. और सिर्फ याद नहीं आती, आप यकीन करना इतना बड़ा पोस्टर बनता है, उस पर सब लिखा होगा जवानों को नमन, मोमबत्तियों के नीचे अपनी फोटो भी साथ में होती है. बिल्कुल. ये मैं एक ऐसा कड़वा सच बोल रही हूँ, शायद इसके बाद लोग पता नहीं क्या क्या बोलेगा मेरे बारे में, पर ये हकीकत है. बिल्कुल करेक्ट. हम ये नहीं सोचते, और आप यकीन करना गलती से कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज लीक हो जाती है जिसमें हमारे सैनिकों के बॉडी भयंकर रूप से होते हैं ना. तो लोग सिर्फ टीआरपी पाने के लिए
उसको हर जगह शेयर करते शेयर करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि जिस घरों के ये बेटे हैं उस घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, भाई है, बेटा है, पिता है, जब वो अपने बच्चे की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उन्हें खबर आई है ना, जब शरीर पार्थिव शरीर जब घर पहुंचता है ना वो पैक होता है, पूरा नहीं दिखाते क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आप शेयर करते हैं तो कभी ना कभी जब उनके पास जाती होगी वो चीज तो उनका दुख सोचिए आप कितने लेवल पे बढ़ जाता होगा। ये हमारे देश के लोग नहीं सोचते कि हम कोई चीज शेयर करने से पहले उसका प्लस और माइनस दोनों सोच लें। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है अवेयरनेस की कि अवेयर नहीं है हम लोग, और उसका रीजन है कि हम लोग बात ही नहीं करना चाहते सैनिकों पे। बिल्कुल, हम लोग बात ही नहीं करना चाहते शहीद परिवारों पे। उनके उनके लिए हम कभी आगे ही नहीं आना आगे नहीं आना चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब बात ही नहीं होगी तो पहचान कहाँ से होगी, आप खुद सोचिए। तो ये जो दो दिन का जो आपने बताया है कि दो दिन का ये फंडा रहता है, ये इसलिए रहता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबको अपना अपना गाना है करेक्ट और टीआरपी के लिए गाना है सबसे बड़ी बात। तो आपने पुलवामा का नाम लिया था तो उसी से मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी जी। उनकी फैमिलीज ने प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के सामने, बेसिक से हक थे उनके, तो वो स्ट्रगल भी काफी कर रहे थे, तो क्या आपको फील होता था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है और क्या महसूस करा आपने? तो देखिए कि मैं आपको बताऊं, आपने पुलवामा का लिया कि पुलवामा के जो शहीद परिवार हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। पुलवामा की जो पहली बरसी थी, मैं पुलवामा शहीदों के घर गई हूँ। ओके, मैंने अपने आंखों से देखा है सब कुछ। अच्छा, आप मिले उनसे? हाँ, मैंने आपको वीडियोस भी भेजी है। मैं राजस्थान के शहीद परिवार में गई हूँ। ऐसा जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जितना शहीद होने पे पुलवामा के, देखिए ये मेरा अपना है, मैं किसी गवर्नमेंट की साइड नहीं हूँ, मैं खुद देख के आई हूँ और मैं उनसे पहले हुए शहीदों की या उनके बाद हुए शहीदों की बात नहीं गई, मैं पर्टिकुलर पुलवामा के शहीदों की बात कर रहा हूँ कि जो हक की बात की आपने, उनको मिला है और बहुत अच्छे से मिला है। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि प्रोटेस्ट किया है, मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ कि सरकार मुझे बोल रही है कि आप अपने हस्बैंड के जगह पे लग जाइए। आप बोल रहे हो मेरे को नहीं लगना, मेरे देवर को लगा दो, मेरे भाई को लगा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? तो उनका प्रोटेस्ट कुछ कंडीशन होती है जहां पर पॉसिबिलिटीज है, शायद मैं कंफर्म नहीं क्योंकि मैं पूरे तरह बैकग्राउंड से नहीं हूं, बट अगर आपने मांग और प्रोटेस्ट की बात की मैं उसी पे कह रही हूँ। अब आपको गवर्नमेंट ने इतना दे दिया है जो शायद मुझे लगता है पुलवामा से पहले शहीदों को भी नहीं मिला और उसके बाद भी शायद उतना नहीं मिला। मैं जाती हूँ, मुझे पता है, फिर भी आप सिर्फ इसलिए उठा रहे हो अपने आप को कि आपके साथ एक टैग लग गया कि आप शहीद की वीरांगना हो। आप गलत मांग मत उठाइए, सरकार भी तभी मांगेगी ना जब मांग सही होगी। बिल्कुल, वो तो आपको देने को तैयार है, आपका कोई बच्चा वो उसको भी देने को तैयार है। एब्सोल्युटली, पर आप बोलोगे किसी थर्ड पर्सन को दे तो कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल। और आप शहीद परिवारों की बात कर रहे हैं ना, हम तो पुलवामा की बात कर रहे हैं। मैं आपको आप बीती ऐसी बता सकती हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं खुद उन परिवारों से मिली हूँ, मैं सबूत हूँ। बूढ़े माँ बाप चंबल घाटी में रह रहे हैं, बेटा शहीद हुआ आर्मी से, मैंने आपको तस्वीर भिजवाई होगी या वीडियो, मैं उनके परिवार में, मैं उनके परिवार में गई हूँ। बूढ़े पिताजी के मैं पैर छू रही हूँ स्टेज पे, उनकी बहू साथ में आई थी वीरांगना, उनकी वीरांगना को सब कुछ मिला, परिवार को कुछ नहीं मिला, आज भी वो झोपड़ी में रह रहे हैं। दूसरी बात, स्टेज पे खड़े होके बोली थी ये बात, या तो मुझे बड़ी नौकरी दो या फिर मुझे पॉलिटिक्स में उतारो। ओ, मैं एक शहीद की वीरांगना हूं। लोग इतना मतलब तो, सिर्फ बेटा खोता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक वीरांगना जब होती है तो वो शादी ना करे, अपना जीवन आगे स्टार्ट ना करे। मैं बिल्कुल ऐसे इस
इस वाली सोच में नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ आप अपनी जीवन आगे बढ़ाए, लेकिन पीछे जो माँ बाप है जिनका कोई सहारा नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति खो दी, बेटा उसके बारे में तो सोचिए। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, चाहे कोई भी संस्था हो। एब्सोल्युटली। तो मैंने तो ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिन्होंने अपने एक एक लौते बेटे खोए हैं और बहू ने दोबारा झांक के भी नहीं देखा। मैं कहती हूँ कि आपको इतना करोड़ मिलता है, ठीक है, आप उसमें से कुछ परसेंट ही बैंक में जमा करा दीजिए, उनका हर महीने का तो चल जाएगा। चंबल घाटी में रहते हैं, चंबल नदी हर वक्त उनके गांव पहुंच जाती बारिशों में, रास्ते बंद हो जाते हैं, बेटे की इतनी टेंशन हो। और जब मैं अम्मा के पास गई थी ना चंबल घाटी में नमन करने उस परिवार को, तो मैंने देखा कि डेढ़ साल हो गए बेटे को शहीद हुए, मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, मूर्ति पैक है। तो मेरे पास अम्मा रोती रोती आई, कुब उनका ना कुब निकला हुआ है टेंशनों में, वो झुक गई थोड़ी सी पीठ से, तो बोलने लगी शहर से आई हो? मैंने बोला जी। ये पर्दा हटा दो मेरे बेटे से, अनावरण का एक पूरा पॉलिसी होती है, किस तरीके से होता है, कौन कौन लोग आते हैं, मेरे हाथ में होता मैं तो वहीं से हटा देती उसी वक्त। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं हुआ है, मैंने वहीं से लाइव खड़े होके फेसबुक पे लाइव आई थी मैं कि यहाँ की राजस्थान सरकार सोचे, यहाँ के लोकल विधायक सांसद सोचे, छोटे नेता सोचे कि भाई क्या हो रहा है। मेरा ये अगस्त में था और नवंबर में मूर्ति का अनावरण हुआ, लेकिन वो अम्मा का जो स्टेटमेंट था ना कि घर इतनी दूरी पे था कि मतलब आप पैदल चल के आएंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, माँ रोज आती थी बस दिया रखने और वो कहती थी मेरे को अपने लल्ला की तस्वीर मतलब मुंह देखना है, डेढ़ साल से वो पैक है। तो आप ये सोचिए, मैंने तो ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं ना कि मैं बताने पे आऊं तो मैं शायद खुद भी इतनी इमोशनल हो जाऊं कि मैं उसको एक्सप्लेन करने में भी नाकामयाब हूं। मैं संस्था को लेके जाती थी, कब उनकी बहन बन गई शहीदों की पता ही नहीं चला। बहुत बड़ी बात है पर मैम आपके लिए, और हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए। मैं शहीद हंसराज के घर गई थी, जनरली मैं थोड़ा टाइम बाद जाती हूँ कि मैं वो फेस नहीं करना चाहती चीजों को। जब मैं शहीद हंसराज के घर गई बीएसएफ के जवान, तो मैंने उनके घर में देखा कि एक छोटी सी लड़की उनकी वीरांगना है, मतलब इतनी उम्र नहीं थी ना, 20-21 साल की थी, बूढ़े माँ बाप है और 2 बच्चे हैं जिसमें से 1 बच्चा 4 महीने का है। मुझे एक तो भाषा में बहुत था, तो मेरे साथ कुछ लोग थे, मेरे को समझ ही नहीं आया 5 मिनट तक कि मैं क्या बोलूँ उनको। अम्मा मुझे देखती रो पड़ी, फिर उन्होंने बताया कि लाइट नहीं आई। आप बोलते ना देश, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि 2 दिन याद रहते हैं देश के लोगों को, देश के लोगों की बात बताती हूँ इसी पॉइंट से। तो हम लोग बैठे, हम लोग उनको नमन करे, तो उनका छोटा बेबी रो रहा था, अम्मा की गोद में था, तो बहू लेके आई दूध, तो अम्मा ने मुझे बोला कि तुम पिला दो। अब आप ये सोचिए, हमारे घर में शहर में रहते हैं, छोटा बच्चा होता है, कोई अननोन पर्सन आएगा, आप अपने बच्चे को दूध पिला देंगे उसके हाथ से? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने छूटते बोला, मैंने कहा नहीं अम्मा मैं नहीं पिलाऊंगी। कह लगे अरे हंसराज की बहन है तू पिला दे। मैंने नहीं बनाया उनसे, उन्होंने बनाया ना स्टार्टिंग। तो मैंने दूध पिलाया, वो तस्वीर आप शेयर करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद ये सड़क है मेन, फिर 500 मीटर चल के खेतों में घर है। तो अम्मा ने और उनकी वाइफ ने वीरांगना ने मुझसे बात डिस्कस करी कि दीदी हमारी सड़क बनवा दो, बच्चे बड़े होंगे, बूढ़े माँ बाप है तो खेतों से आना जाना पड़ता है, रात बिरात होती है, जब फसल होती है तो दिक्कतें होती है, डर भी लगता है। आप यकीन करना 2018 से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ गांव वालों से, बड़े बड़े कई जगह पे उन्होंने चिट्ठियाँ दी, सब कुछ करा, उनके मूर्ति अनावरण हुआ था और उसमें कम से कम 10-12 अरे सोचिए, बहुत उन्होंने यहाँ तक बोल दिया हम पैसे दे देंगे जिनका खेत आ रहा है,
सिर्फ इतने निकाल दो कि एक साइकिल निकल जाए, पक्की सड़क हो जाए, बहू भी जवान है, बच्चे भी जवान होने हैं, बूढ़े माँ बाप है। अनफॉर्चुनेटली थोड़े दिन पहले उनके पिताजी का भी देहांत हो गया, जो एक मर्द बच्चे थे घर पे। बस मैं ऐसे परिवारों से मिल के आती हूँ, और जब मैं वापस आती हूँ ना हिमानी जी, तो उनकी ना आँख में ना एक बड़ी कॉमन सी बात रहती है, कब आओगी वापस। वो इसलिए रहती है कि जिस जनता की बात आपने करी ना, वो अंतिम यात्रा के बाद झांक के नहीं देखती उस परिवार में, और वो बहुत जरूरी है उनको सपोर्ट करना। तो मैंने बोला ना कि हो गई मैं इतनी इमोशनल, थी नहीं। बना देती है सिचुएशन जब हमारे अराउंड होती है। शहीद विजय पांडे हैं, वो अम्मा बाबा मुझे बिट्टी बोलते हैं, कहते विजय की बहन है। नहीं, कानपुर से आने के बाद मेरे को लाइफ, हमेशा मैं परिवार के जब बीच से आती हूँ तो लाइव सेशन देती हूँ। मेरे से उस दिन लाइव सेशन नहीं दिया गया शहीद विजय के, विजय पांडे के घर जाने के बाद। हाँ, इमोशनली हम इतना उस माहौल में वो हो जाते हैं कि, और मैंने कई जगह पे सुना है, लोग ना बोलते हैं ऐसे कि सैनिक पागल होते हैं, तो मैं उनके सामने खड़े होके बोलती हूँ कि मैं भी पागल ही तो हूँ। ये तो कोई ऐसा रास्ता चूज करती ना जहाँ से बहुत जल्दी मुझे ग्रोथ मिल जाती। तभी मैं बोल रही हूँ अपने हट के बहुत चीजें शुरू करी है, तो कोई भी नहीं करता है। तो शहीद परिवारों की तो इमोशनल जो चीज़ें हैं ना, जब हम इमोशन ले आते हैं ना अपने अंदर, तो हमारा मन नहीं करता कि हम बैक स्टेप लें। फिर हमें लगता है मदद करें, जितना हमसे हो पाएगा उससे भी ज़्यादा करके दिखाएंगे। मैम, एक चीज़ मैं आपको पूछूंगी कि क्या हर्डल्स और चैलेंजेस आप फेस करते हो अपने ट्रस्ट को चलाने के लिए? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चुनौतियों का तो सामना मुझे बहुत करना पड़ा। बहुत कम लोग हैं जो मुझसे जुड़ के मुझे गाइड कर सके, हमें गाइड कर सके, ट्रस्ट को गाइड कर सके। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, जैसे मैं किसी से मिलने जाती हूँ फॉर डोनेशन, वो बैठाएंगे, बात सुनेंगे, मतलब काफ़ी देर तक हमारी बातचीत होगी, लास्ट में बोलेंगे ठीक है मैडम, सोच के बताते हैं। अच्छा, अरे। और जैसे सूरत का मैंने एग्जांपल दिया कि मैं सूरत गई, तो वहाँ से अनुभव लेके आई थी, डोनेशन नहीं लेकर आई। करे तो वो जो एक बेइज्जती बोल दीजिए, मैंने सहन करी है, हमारी टीम ने सहन करी है, वो चीज मैंने बहुत, इवन अभी भी, बस परमात्मा की मेहर है कि कुछ अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी वजह से या उन चीजों की वजह से मैं टूट नहीं पाती। कि मेरे अंदर रहता है कि नहीं यार, कुछ तो करेंगे, कुछ तो अच्छा होगा। तोड़ना होता ना तो भगवान पहले तोड़ देता। अब तो काफी आगे निकल चुके हैं। और भी आगे निकलेंगे, आई होप। और इसी दौरान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब हैं, मैं उनको बड़े भाई बोलती हूँ। अरे, तो कोरोना के टाइम पे वो सबके यहाँ पे लाइव सेशंस दे रहे थे फेसबुक पे, मैंने भी अप्रोच करा उन्हें, उन्होंने बोला अरे तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, आऊँगा मैं। तो हमारे फेसबुक पे वो लाइव आए, हमने उनसे बातचीत करी। बातचीत जब वो लाइव सेशन दे रहे थे सैनिकों के बारे में बता रहे थे, उससे पहले जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट का, तो उन्होंने बोला कि एक महिला, और मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इस लड़की ने एक ऐसी जर्नी चूज करी है जहाँ पर बड़े बड़े नेताओं से मिलने का मौका, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाने का मौका, बड़ी बड़ी डोनेशन नहीं मिलती। तो उस वक्त जो मेरी आंखें नम हुई थी ना, इसको बोलते अनुभव। बिल्कुल, वो अनुभवी थे, उन्होंने मेरे दर्द को समझा था, और शायद मेरे बिना बोले उन्होंने लाइव सेशन में ये बात बोलती। तो हर्डल्स मेरे पास वही आए हैं। मैं वही बोलूंगी आपको कि आप एक बिजनेस नहीं रन कर रहे हो, आप रियलिटी में एक ट्रस्ट चला रहे हो, आप वो काम कर रहे हो, तो वो चैलेंजेस आपको
आप फेस कर चुके हो, अब आपका रास्ता डे बाय डे मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद बहुत साफ होगा, बिकॉज लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आई होप। और अभी कुछ दिन पहले ना मैं गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी के पास, उन्होंने मुझे बोला कि आपको बड़ी गलत फहमी है कि आप बहुत आप अकेले ही जर्नी में हो। तो मैंने बोला मेरे को गलत फहमी है ही नहीं, पहली बात मुझे पता है कि और भी बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं शहीद परिवारों के लिए, पर मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूँ कि हमारे में और उनमें एक फ़र्क है। वो प्रोग्राम करते हैं अपने वेबसाइट पे फ़ोटो डालने के लिए, बड़े बड़े जगह से डोनेशन फ़ोटो दिखा के लेने के लिए। हमारा काम है, हम जिस परिवार में जाते हैं, आप अभी बोलो कौन से जिन पे मैं गई हूँ, किस 150 परिवार में से किसके पास फ़ोन करूँ, और फ़ोन उठाते ही मैं सिर्फ ये बोलूँगी हेलो और वहाँ जाएगा हाँ बेटा क्या हाल चाल है। तो उनमें और हम में ये फ़र्क है, और एनजीओ और हमारा देश मैनेजमेंट ट्रस्ट में, कि हम फोटो खिंचवाने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए नहीं जा रहे, हम एक रिलेशन मेंटेन करने जाते हैं, हम उनसे रिलेशन रखते हैं जो हमारे लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ऐसे कई शहीद परिवार हैं जिनके घर में प्रोग्राम होता है, मैं आज भी जाती हूँ। मेरी पिछले साल मेरी बहन की शादी हुई है, छोटी बहन की, आप यकीन करेगा करना उस पर कि मैं आपको फोटो भी शेयर करूँगी, कारगिल योद्धा से लेकर जो भी है कई शहीद परिवारों को मैंने इन्वाइट करा। अरे वेरी नाइस। और वहाँ पे सब लोग, क्योंकि बहुत सारे शहीद परिवारों को तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीडिया में देख ही लेता है, तो मुझसे आगे पूछ रहे हैं अच्छा ये वो कारगिल योद्धा है ना सतवीर बाहू जी, अच्छा ये वो स्क्वाडन लीडर समीर के मम्मी पापा है ना शहीद के, अच्छा ये हंसराज के बेटा, मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझसे पूछना शुरू करा। तो हम में और दूसरे एनजीओ में यही फर्क है, सबसे बड़ा फर्क कि हम सिर्फ अपने लिए आगे नहीं बढ़ रहे, हम शहीद परिवारों के लिए और सैनिकों के लिए आगे बढ़ रहे। वेरी नाइस। हम एक रिश्ता रखते हैं, सिर्फ प्रोग्राम हुआ उसके बाद आप कौन मैं कौन वाला हिसाब नहीं है मेरा या हमारा। तो ये फर्क है हमें। आप अपने परिवारों को छोड़ के शहीदों के परिवार के साथ सेलिब्रेशन करते हो, चाहे वो फेस्टिवल है या कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, तो ये पॉजिटिविटी कैसे आती है आपके अंदर? देखिए पहली बात तो पॉजिटिविटी ऐसा थी, जैसे मैं शुरुआती दौर पे आपको बताया था कि कई सैनिक हैं कई बार अपने त्यौहार पे घर नहीं जा पाते, तो हमारा जो मोटो होता है वो ये होता है कि हम उनके बीच जाकर उन्हें ये बताएं कि भले ही वो अपने परिवार से दूर है लेकिन एक परिवार हमेशा उनके आसपास है, आसपास है। और ये जो प्रेरणा जो मुझे मिलती है ना कुछ करने की, मैं इमोशनल भी बहुत होती हूँ, मैं गुस्सा भी बहुत करती हूँ लाइव सेशंस में, मैं भारत सरकार से भी बहुत लड़ती हूँ, कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा मेरी चलती रहती है बहसबाजी की, कोर्ट ने ऐसा क्यों करा, मतलब लाइव सेशन, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो स्टेटमेंट चलते हैं उनकी बात करी। ये भी मुझे सैनिकों से ही आया, मेरा जो प्रेरणा स्रोत है मैं बोलती हूँ कि सैनिक ही है। जब वो अपने परिवार से दूर है तो मुझे तो कुछ घंटे के लिए जाना है परिवार से, बिल्कुल वापस तो मुझे आना है, उनको तो आना नहीं, उनको तो जब छुट्टी मिलेगी तब भी आएंगे। वेरी नाइस। तो ये जो हैप्पीनेस है ना मेरे अंदर, ये सैनिकों को देख के आई कि उनके माथे पे मैंने आज तक शिकन नहीं देखी। आप किसी भी सैनिक से मिले आप बोलेंगे अरे यार दिवाली पे नहीं जा रहे हो क्या बात है, हाँ यार ड्यूटी है ना क्या करें, मतलब उनका बहुत नॉर्मल जवाब रहता है कि ड्यूटी है इसलिए नहीं जा रहे, छुट्टी नहीं है, यहाँ पे ये हो गया वहां पर वो हो गया इसलिए नहीं जा रहे, किसी और को ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था उसको भेज दिया। आपस में कॉपरेट भी बहुत करना पड़ता है, कि इस बार मैं अपनी छुट्टी कैंसिल करना मुझे करने पड़ जाए, तुम चले जाओ मेरी जगह कि तुमको ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने सुना है ये बहुत होता है और अच्छी बात है, मिलजुल के वो लोग रहते हैं और सपोर्टिव रहते हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। यही तो आपस में जब मिलते हैं जुलते हैं ये जो सब चीजें चलती है ना, साथ बैठ के खाना खाना इंजॉय करना है ना, छोटी छोटी पार्टी गेट टुगेदर करना, तो ये सब चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं उन्हें, वो उनका अलग परिवार है, वहाँ पे एक परिवार घर का होता है एक परिवार उनका प्रोफेशनल होता है। मेरे को तो कई सैनिक ये बोलते हैं कि वो तो परिवार मेन नहीं है, हमारा तो सरहद परिवार है। जब 9 महीने हम यहाँ, मतलब मान लो इनको साल में टोटल छुट्टियां मिलती है 3 से 4 महीने की, हाँ बाकी टाइम तो ये ड्यूटी पे रहते हैं, तो बोलते जहाँ ज्यादा रहेंगे वही तो अपना घर है,
सही बात। और बहुत बहुत मैं तो उस माँ को, उस पत्नी को, उस बेटी को बहुत सल्यूट करती हूँ जिसके जिस माँ बाप ने या पत्नी ने इतना दिल रख रखा है कि अपने पति को सरहदों पे भेज रखा है, बेटे को सरहदों पे भेज रखा है, जाओ देश की सेवा करके आओ। बहुत बड़े दिल चाहिए उसके लिए, बहुत बड़ा दिल। इन सैनिकों की मैं जितनी बातें करूँ ना, इनकी संघर्षों की बात करूँ, आप यकीन करना, अभी दिल्ली में अभी सर्दियाँ शुरू होएगी, गर्मियाँ है ना, आप गर्मियाँ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं और फिर बोलते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी बोलते रहते हैं एक दूसरे। आप जैसलमेर जोधपुर जाएं या ऐसे कई गर्मी क्षेत्रों इलाकों में जाएं, आप यकीन करना सैनिकों से पूछना गर्मी लग रही है, कह रहे नहीं ड्यूटी कर रहे हैं हम तो। हाय मैं बाड़मेर गई थी 0 डिग्री बॉर्डर पे, यानी कि उसके बाद ये पाकिस्तान शुरू है और ये हमारा। अच्छा वहां पे जाकर आए? मैं, अरे मैं फोटो दूंगी आपको, आप शेयर करना कैसा लगता होगा। तो जब मैं गई तो वहां पे सैनिक ड्यूटी दे रहे थे, मैंने बोला गर्मी लग रही है और लू ऐसे चल रही थी कि अगर आप 5 मिनट खड़े हो जाओ आपके पूरा स्किन जो है फट जाएगी, मिट्टी साथ चलती है उस लू में, ड्राइनेस बहुत है बाड़मेर में। तो मैंने बोला अच्छा ड्यूटी कर रहे हो, पानी वानी? अरे सब है दीदी, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ड्यूटी करेंगे, आप बताओ आप ठीक हो, हमारी टेंशन का कुछ होगा? मतलब मैंने कभी भी किसी भी सैनिक को उदास लेवल पे बात करते हुए नहीं देखा। और कई सैनिक तो ऐसे हैं, मैं 3 साल बीमार रही, वो आप ठीक हो जाओ आप वापस आ जाओ, पेंशन मिले ना मिले हाँ वापस आओ दीदी। बिल्कुल। तो सैनिकों के लिए तो खैर उनके संघर्षों के लिए, इतनी श्रीनगर में इतनी बर्फ पड़ती है, लद्दाख में चले जाओ ऊपर आप सरवाइव नहीं कर सकते, पर वो सैनिक सरवाइव ही नहीं करते, गद्दारों का सामना भी करते हैं, गोलियां भी खाते हैं, अपने आप को ठीक भी रखते हैं। बिल्कुल। बारिश हो, मौसम से हो, गद्दारों से हो, या किसी भी तरह नदी बाढ़ तूफानों से हो, हर चुनौती का सामना करते हैं ताकि हमें ना करना पड़े। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत। जो अग्निवीर स्कीम है जो लॉन्च हुई है उसमें काफी लोगों ने सपोर्ट भी दिया उस स्कीम के लिए और काफी लोग गुस्से में भी है, तो वो उनकी समझने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है या किस रीजन की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए पहले तो मैं आर्मी परिवार से हूँ नहीं, लेकिन जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो मेरी खुद की जो समझ आया है मुझे, मैं वही बताऊंगी। जब अग्निवीर बना था, ये कॉन्सेप्ट आया था, तब लोगों को समझ नहीं आया था कि एग्जैक्टली ये है क्या, इसलिए लोग आधे फेवर में थे और आधे जो थे नॉन फेवर में थे। अग्निवीर भारत में अब लागू हुआ है। बिल्कुल। भारत से अगर बाहर जाके देखेंगे ऐसे कई देश है जो अग्निवीर की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। ओके। हाँ कई देश है, और अभी हाल ही में इसराइल तो बहुत नाम चल ही रहा है, उसमें भी है कि 5 साल तक देश में जो युवा है उनको आर्मी ज्वाइन करना कंपल्सरी है। अच्छा। हाँ ओके। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमने भी लागू करा तो ये तो अच्छी बात है ना, देशभक्ति तो जाग रही है। बिल्कुल। देशभक्ति जाग रही है, और 18 से लेके 18 साल भर्ती होता है, 24 साल तक तो बच्चा वैसे भी स्ट्रगल ही करता है। बिल्कुल। उसको समझ नहीं आता, उसी टाइम पे यदि उसे एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी, उसे कुछ बातें समझ आ जाएगी, उसका अनुभव गेन हो जाएगा, तो वो तो देश के लिए अच्छा है ना। बिल्कुल। जो मेरी समझ बोलती है कि ऐसे घूमने से अच्छा कंपटीशन देना है, टेंशनें लेनी है, दोस्तों में बैठने से अच्छा है कि देश के लिए कुछ करे। और ये जो आर्मी है ना, अग्निवीर आर्मी ही है, अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं। लोगों ने अलग बना दिया, वो बहुत डिफरेंस ले रहे हैं सब चीज़। हाँ, कुछ अलग नहीं है, जो आर्मी को मिल रहा है यानी कि जो रेगुलर आर्मी है वही इन्हें मिल रहा है, चाहे वो कैंटीन सुविधा हो, मेडिकल सुविधा हो, सब कुछ हो, कुछ अलग नहीं है। और इसके बाद जब वो जाएंगे, जैसे 100% हमने लिया, 25% रेगुलर में चले जाएंगे, जो 75% बचेंगे वो भी अलग अलग राज्यों में उनको कुछ परसेंटेज की छूट देके उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई। प्लस पैरामिलिट्री फोर्स जिसे हम CAPF कहते हैं, उसमें भी अभी हाल ही में ही सभी DG ने बोला है कि 10-10% वो भी लेंगे इनमें से। Okay. तो इससे नुकसान तो कुछ है ही नहीं, बस समझने की बात है।
कि देखिए ना, हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ माइनस होता है, कुछ प्लस होता है। बिल्कुल, जो माइनस दिखेगा उसको माइनस ही दिखेगा, जो प्लस दिखेगा उसको प्लस ही दिखेगा। मुझे लगता है कि अग्निवीर आर्मी है, कुछ ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन सिखाया बिल्कुल वही जाता है, फैसिलिटीज बिल्कुल वही होती है, कुछ अंतर नहीं होता। बिल्कुल, तो ये यार तो लोगों की समझ की बात थी कि समझ नहीं पाए, हॉचपॉच से हो गए, और देश के लिए तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बस वही बस ये समझ की बात है, बस और कुछ नहीं। पेंशन से रिलेटेड कुछ केस सुना था मैंने, हुआ है वो क्या है? हाँ, पेंशन एक्चुअल में हमने CAPF के लिए मुद्दा उठाया था। हाँ। और ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन भी चल रहे हैं पूर्व सैनिक बलों के, जो उस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, हमारे देश में अगर भारतीय सेना की बोला जाए तो तीन नाम आते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भारत की सुरक्षा में ऐसे कई सुरक्षा बल खड़े हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि CAPF में आते हैं, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही सुरक्षा बल, NSG भी हैं जी, ऐसे ही सुरक्षा बल हैं जिनके साथ एक भेदभाव हो रहा है 1 जनवरी 2004 के बाद। 1 जनवरी 2004 के बाद पूरे भारत में पुरानी पेंशन को हटा के नई पेंशन लागू कर दी, और इन बेटों को भी नई पेंशन में लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, ओके। सिर्फ पैरामिलिट्री के बेटों को, सुरक्षा बलों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, विधायक, सांसदों को पुरानी पेंशन में ही रखा गया। हम ये नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोल रही कि आर्मी कम कर रही है या पैरामिलिट्री ज्यादा कर रही है, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। पर ये मेरा मानना ये है कि जो मेरी सोच बोलती है कि 1 जनवरी 2004 के बाद यदि आपने NPS पूरे भारत में लागू करा, और ये बेनिफिशियल है ऐसा बोला जाता है जो जब लागू करा था कि अच्छे के लिए लागू कर रहे, तो फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सांसद और विधायकों को अच्छा वे नहीं चाहिए था? बिल्कुल करेक्ट, मतलब जो मेरी समझ बोल रही है मैं वो बोल रही हूँ आपसे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड फिर हमने कोर्ट के द्वारा केस किया था कि हमारे जो भाई हमारी सुरक्षा में खड़े हैं पैरामिलिट्री फोर्स में जो आते हैं, उनके साथ ये जो भेदभाव हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, और देखिए आर्मी बनी है वार के लिए, लेकिन वार की स्थिति जब तक नहीं होती तब तक देश में आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा में खड़े हैं पैरामिलिट्री फोर्स। बिल्कुल, आज देश में छोटे ऑपरेशन चले, बाढ़ आए, तूफान आए, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, या फिर चुनावी माहौल हो, कुछ भी देश में आपदा आती है, कुछ भी माहौल क्रिएट होता है, उसमें सबसे ज्यादा CAPF यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक नजर आते हैं। तो जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो दोनों बेटों में इतना भेदभाव क्यों? क्यों भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बड़े भाई है तो छोटे भाइयों को पीछे क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल, दोनों को बराबर रखना चाहिए ना, सुरक्षा में तो दोनों खड़े हैं और दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस सोच को लेके हमने अपनी टीम से बात करी, धर्मवीर सर से मैंने बात करी कि मुझे ऐसा लगता है सर, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो हक की लड़ाई लड़ते हैं। उस हक की लड़ाई में 2015 में शुरुआत करी थी, और आई होप कि हमें हमारे भाइयों को जो है जल्दी इंसाफ मिल जाए, उनको पुरानी पेंशन वापस से मिल जाए। जरूर मिलेगी, जहाँ पे सच्चाई होती है और इतने लोगों का एफर्ट्स होते हैं तो वहाँ पे हाँ गॉड्स भी ब्लेसिंग्स देते हैं। देखिए हम, मेरा मानना ये है कि जो सुरक्षा में खड़े सुरक्षा बल है ना, उनको इक्वालिटी में रखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। अब ये बोलने पे आता है कि जो NPS है वो पूरे भारत में लागू है, पर ये मेरी सोच है कि NPS पूरे भारत में लागू है 2004 के बाद, लेकिन एक बैंकर है, एक स्कूल टीचर है, वो उतने चुनौतियों का क्या सामना करता है? बिल्कुल, जितना ये हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक कर रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी आराम से करेगा, उन्हें किन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे बैंकर हो, टीचर हो, कोई भी आप सरकारी महकमा उठा के देख लो। लेकिन जो ये सैनिक कर रहे हैं, आज यहाँ ड्यूटी तो कल वहां, हर शहर बदलना पड़ता है, हर 6 महीने में पानी बदलते हैं, शरीर में चुनौतियों का सामना करते हैं, मौसम की चुनौतियों का सामना करते हैं, गद्दारों का तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर इस सब को देख के मुझे लगता है कि भेदभाव तो है,
उस भेदभाव को मिटाने की अपील, पुरानी पेंशन को बहाली करने की अपील हमने कोर्ट के द्वारा भारत सरकार से की थी। होप सो ये चीजें जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो आपके थ्रू, बहुत सारे लोगों के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं और खुद सैनिक भी चाहते हैं, तो सबकी दुआएं काम आए, भारत सरकार जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन बहाल करे। यस सो मैं आपसे कुछ एक स्पिरिचुअलिटी जर्नी के बारे में आपसे पूछूंगी जी, कि आप नीम करोली जी जाकर आए थे जी, कैसे जाना हुआ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और क्या आपको वहां जाके महसूस हुआ? देखिए मैं इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जर्नी जैसे कि आपको पता है कि हम हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट को लेकर चल रहे हैं, तो मेरी लाइफ में एक फेज आया था 2019 और 20, ये बहुत कम लोगों को मालूम है लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ। 2019-21 दिसंबर को मेरा सबसे छोटा वाला भाई एक्सपायर हो गया। 2020-21 जनवरी एक ही महीने में सेम डेट पे मेरा मंजला भाई एक्सपायर हो गया। अरे बाप, उस वक्त ट्रस्ट बहुत पीक पे था और मैं बहुत लो हो गई, मतलब एक ही महीने में मेरे दोनों जवान भाइयों का चला जाना मेरे लिए नहीं, मेरे फैमिली के लिए क्या था वो मैं ही जानती हूँ। मैं वहां से टूटना शुरू हो गई, मैं इतना टूट गई हिमानी जी कि मैं सोशल मीडिया का, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि अपनी सोशल मीडिया पे सिंपैथी या एम्पैथी लेने के लिए मैं ये वार करूं या इस तरीके का पोस्ट करूं कि आज मैं दुख में हूं, मैं कभी नहीं करती। आप मेरी पूरी प्रोफाइल चेक करें, जिनको पता भी है ना मैंने उनको भी मना किया कि इस तरीके से कोई सी भी पोस्ट नहीं आना चाहिए, ये दुख मेरा है, मेरी परिवार का है, मैं हैंडल करूंगी। तो जब मेरा सेकंड भाई एक्सपायर हुआ तो वहां से मेरा एक ऐसा मैंने फेज देखा अपनी लाइफ का जिसका बिलीव ना किसी भी इंसान को होगा नहीं। मम्मी पापा दोनों एडमिट 21 तारीख को भाई की डेथ के बाद, छोटी बहन थी जो मुझसे छोटा, मैं सबसे बड़ी हूँ, जो मुझसे छोटा है उसका बीपी इतना हाई, अरे मेरे को एक डर बैठ गया अंदर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ गई उस टाइम पे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी 21 दिन पहले मेरा एक सबसे छोटा वाला भाई गया और 21 दिन ठीक बाद कैसे चला गया दूसरा वाला, कुछ भी नहीं, घर में बाथरूम में नहाने गया और आया ही नहीं। और ये फेज ऐसा था कि मेरे अगर ये सैनिक नहीं होते, धर्मवीर सर या जो उस वक्त दिल्ली में पोस्टेड थे, मेरा फोन सिर्फ उनके पास गया जो मेरे क्लोज वंस थे। मैंने बोला यार ऐसे से बात हो गई, हरीश भी चला गया, किसी को यकीन नहीं हुआ अच्छा खासा हट्टा कट्टा 6 फुट का लड़का कैसे चला गया। फैमिली ने तो हिमानी जी मुझे ऐसा तोड़ा कि मेरे भाई की ना बॉडी को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। वहम हो गया क्या कि एक ही घर में दो जवान डेथ हो गई और मम्मी को, मेरे फादर रो नहीं रहे, क्या सवाल, मेरे फादर रो नहीं रहे थे तो डॉक्टर ने बोला आप इनको रुलाओ। हाँ बंदा एकदम चौक हो जाता है। मैं चला गया था, मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, पापा भी, लेकिन मम्मी निकाल रो रही थी तो थोड़ा सा ये था कि दुख तो खैर आज तक में नहीं गया, लेकिन पापा बिल्कुल खामोश हो गए। तो मैं अपने फादर को लेके दिल्ली के शमशान घाट जो है अंतिम जहां पे यात्रा होती है वहां गई, निगम बोध घाट। मैंने पापा को लिटरली, मेरे जैसी किस्मत किसी को ना दे इस मामले में, किसी बहन को ना दे, मैंने फादर को बोला हरीश चला गया है, मेरे पापा मेरा मुंह देख रहे हैं। तो मेरी बहन थी और मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी कि मैं किसको बोलूं, क्या बोलूं, क्या कहां, क्या क्या एक्सप्लेन करूं, समझ नहीं आ रहा। तो मैं अपने फादर को हाथ पकड़ के ना मेरे भाई की जहां बॉडी थी वहां पे हाथ छुआ दिया, मेरे पापा का रोना छूट गया। और वो ऊपर ले जाते हैं गंगा जल के लिए, मेरे पापा पागलों की तरह भाग रहे हैं, मैंने वो सिचुएशन देखी। उसके बाद कोरोना लग गया, मम्मी पापा शायद थोड़ा कम
निकल जाते उससे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन कोरोना लगने के बाद जब प्रॉपर घर भी रहना पड़ गया ना, तो हर जगह पे जब वो चीज नजर आने लग गई, बाहर से कोई आ नहीं सकता, हम बाहर जा नहीं सकते, तो वो मम्मी पापा को ठीक करने के चक्कर में खराब हो गई, मेरी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी डामाडोल हो गई, फिर चीजें बिगड़ती चली गई। फिर भी मैं बीच बीच में काम करती रही कि मुझे नहीं यार, ट्रस्ट तो ना लोगों के कहने पे ट्रस्ट है ये बच्चा हमारा, लोगों की निगाहों में ट्रस्ट है, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी। थोड़े थोड़े प्रोग्राम करती रही 2 महीने में 3 महीने में, लेकिन मैंने तब ये रियलाइज करा कि एक टाइम पे जो मेरे साथ दावे करते थे ना लोग कि हम आपके साथ हैं, हर कंडीशन में खड़े हैं, जो दावे करते थे हिमानी जी, वो आसपास कहीं नजर ही नहीं आए, बिना बोले धीरे 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 क्विट कर गए। यही रियलिटी होती है लोगों की, उनका असलियत तभी पता चलता है। मैं रोज फोन करूं, डिस्कस करती थी धर्मवीर सर से, एक दो मेरे और दोस्त हैं उनसे, मैंने बोला यार ऐसा क्या हो गया। फिर मैं काठगोड़ा, मेरा प्रोग्राम था 2022 का, मैं काठगोड़ा सीआरपीएफ गई प्रोग्राम करने पूर्व सैनिकों के साथ। वहां पे बीएसएफ के एक डिप्टी कमांडर है, जिनका मैंने आपसे जिक्र भी किया था, नेगी बाऊजी, मैं उनको बाऊजी बोलती हूँ, उन्होंने ऐसे बोला कि तू बहुत परेशान है, तू नीम करोली बाबा चल मेरे साथ। मैंने बोला नहीं, घर पे ना भी मैं ज्यादा दिन रुक नहीं सकती, मैं बस प्रोग्राम करके निकलूंगी। बहुत कोशिश करी, नहीं जा पाए, मैं दिल्ली वापस आ गई प्रोग्राम करके। पिछले साल प्रोग्राम करके वापस आई, उसके बाद मुझे ना हर जगह नीम करोली बाबा, हर जगह नीम करोली, लोग पता नहीं क्यों मेरे को फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो, मतलब बेफालतू में, किसी को नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, बाकी बहुत सारी भीड़ जो थी वो खत्म हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, और अभी भी नहीं है वो भीड़, मैं लाना भी नहीं चाहती है। तो अचानक से 2022 में झटके की वजह से मेरी पीठ का लॉस हुआ, मेरा लेफ्ट साइड बिल्कुल डैमेज है। अरे बिल्कुल, मतलब पीठ, हड्डी खिसकी, एड़ी, गोड्डा, पीठ, कंधा, सब खत्म है इस वक्त। तो 2023 में मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत खत्म होने के लायक थी कि अब बस बेड रेस्ट, उठ भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पाई थी। तब डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि जिंदगी भर की रहेगी, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, आप नहीं चल पाओगी, नहीं ट्रैवल कर पाओगी। मैं वो वीडियो आप जरूर लगाना, जब मैं पहली बार नीम करोली बाबा प्लस गोलू देवता के पास गई थी जी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, और मैंने सिर्फ वो वीडियो इसलिए बनाई थी कि जिस दिन मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना, मैं ये वीडियो उन तमाम चैनल्स को दूंगी कि मैं वहां से उठ के यहाँ पे आई। तो मैंने अपने भाई को फोन करा, बुआ के लड़के को, दौलत को, कि भाई मुझे नीम करोली बाबा ले चल, जून का टाइम था। आज फोन करा है, कल वो सुबह गाड़ी लेके आ गया, चल दीदी पर ट्रैवल कर पाएगी, मैंने कहा हाँ। तो मैं कैसे पहुंच गई मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जरूर जानती हूँ, मैं जब मंदिर में बैठी, तो आपने अगर आप मंदिर गए हो तो सामने एक बाबा जी की बहुत बड़ी तस्वीर है, हाफ लेटी हुई है ना, हाफ लेटी, उसी के सामने हनुमान चालीसा के पढ़ने के लिए आपको बिठाया जाता है। मैं वहां पे बैठी और हनुमान चालीसा मेरे हाथ में था, और मैं उस तस्वीर को देख के ना बस लिटरली रो रही थी, मैं 1.5-2 घंटे रोई। ऐसा लगा हिमानी जी, मेरे अंदर से पिछले 4 साल का जो मैं रोना चाह रही थी किसी के आगे, कि मुझे दुख है, मेरे भाई चले गए, पेरेंट्स को संभालना पड़ा, काम में ध्यान नहीं दे पाई, वो दुख मेरा निकल गया। इतना रोई, आते जाते लोग मेरे मुंह को देख रहे थे, बट मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे नहीं रुक रहे थे आंसू, मैं इतना, मेरे अंदर मुझे, आई एम वेरी स्ट्रांग स्ट्रांग वूमेन, मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि मेरी भानु बेटों से कम नहीं है, बेटों से ज्यादा है। बट ये 4 साल में अपने पेरेंट्स को भी अपना दुख नहीं बता पाई, कि क्योंकि उनके आगे रोती तो फिर वो कमजोर पड़ जाते हैं, सब कुछ माहौल वो ऑलरेडी कमजोर थे, भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया उनको बहुत। तो क्या हुआ कि नीम करोली बाबा के पास गई,
वहां जो भी मेरे अंदर था वो निकल जाता है, आंखों से बोल के आ हाँ निकल जाता है। आई तो अचानक आने के बाद फिर मेरी चुनौतियां आ गई मेरे सामने, समझ नहीं आ रहा, लोग उल्टा सीधा बोल रहे, कहाँ गया तेरा जोश, कहाँ गया तेरा समर्पण। मैंने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया सोशल मीडिया पे, मैं नहीं देती अपनी स्थितियों को लेके, नहीं देती, क्यों, वो मेरा है, मुझे भगवान ने दिया, मुझे सिंपैथी नहीं लेनी, मुझे स्ट्रांग वूमेन हमेशा रहना है। तो लोगों ने जो बोला, फोन करके बोला, जताया हमने, हम तुम्हारे साथ थे पर अब इसलिए नहीं है ये, वो सब मैंने निकाल दिया। बाबा जी जो लोग छट गए ना, क्यों करा आपने, ये पूछा उनसे। जब आई तो जो बचे कुछ लोग थे वो भी छट गए। चमत्कार ही हुआ मेरी लाइफ में है। और उसके बाद पता नहीं कैसे हिमानी, मैं जून में पिछले साल गई और उसके बाद मेरी लाइफ इतनी बदल गई कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती चली गई, मैं अपने वर्क पे वापस उतर गई, मैं फिजिकली फिट होने लग गई, वेरी नाइस। और आज मैं आपके आगे बैठी हूँ, सफर करके आई हूँ जबकि 7 घंटे का, ये प्रभु का चमत्कार है। तो नीम करोली बाबा ने तो मेरी झोली बहुत भर रखी है। जय नीम करोली बाबा, जय बाबा नीम करोली की। और उन्हीं के वहीं पे एक हमें मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम यहाँ से जा रही हो, घर पे पूजा कैसे करती हो। तो मैंने बोला कि मैं राम लेखनी पक्का लिखती हूँ, मेरी पहले से आदत है ये, रोज डेली का एक पेज का राम लेखनी लिखते हैं हम। हाँ वेरी नाइस, एक पेज डेली। तो मैंने कहा मैं राम लेखनी लिखती हूँ और दिया जलाती हूँ, मेरे घर पे सब है, साई बाबा, माता रानी, नीम करोली बाबा, सब मिल जाएंगे। अब तो नहीं, मैं वैष्णो देवी माता को ज्यादा और साई बाबा को मानती हूँ। कह रहे कोई बात नहीं, एक काम करेगी। मैंने कहा हाँ, हनुमान चालीसा पढ़। हिमानी जी हनुमान चालीसा की बचपन से हमने सिर्फ 4 ही लाइनें सुनी है, बोली है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब आगे और पीछे नहीं पता। लेकिन मैं घर आई और मैं बुक ली और पढ़ने लगी, मैं रो रही, हनुमान जी से बोल रही, हनुमान जी ऐसे कैसा हो रहा है कि मैं, मतलब जो सिर्फ 2 मिनट की अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो 2 से 2.5 मिनट की है, और मेरे को एक एक घंटा लग रहा है एक एक शब्द बोलने में। ये लिटरली मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, जबकि मैंने भोले की पूजा करी है तो भोलेनाथ के आरती हो या गणेश की हो, लक्ष्मी की हो, माता रानी को सब करती हूँ, साई बाबा की भी। क्या हो गया पता नहीं, एक तीसरे दिन बोला हनुमान जी को, हनुमान जी या तो आइए हनुमान चालीसा पूरा का पूरा करवा दो, नहीं तो फिर ऐसा कुछ दे दो सपने में, जैसे मैं उनसे बातें करती हूँ कि मैं कुछ और, मतलब सिर्फ चला के छोड़ दिया करूँ, ऐसा कुछ कर दो। यकीन करना आज आप बैठे बैठे मुझसे पूरा हनुमान चालीसा सुन लो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा। हाँ वो जरूरी भी है, और आप जब हनुमान जी के पक्के भक्त बन जाते हो ना, हाँ। तो वो आपके रग रग में बस जाती है हनुमान, हाँ। चालीसा। तो मुझे लगता है हनुमान जी का एक है, क्योंकि पहले मैं जवाब नहीं देती थी, नीम करोली बाबा जी ने हनुमान जी की से मिलवाया, और हनुमान जी की जो एक शक्ति है वो ये आई है कि पहले मैं किसी को जवाब नहीं देती थी, अब मैं सुनती नहीं किसी वो होना चाहिए। अब मैं किसी की नहीं सुनती, आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना तो जाओ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। स्ट्रांग बना दिया उन्होंने आपको, वेरी स्ट्रांग, मतलब एक ऐसी स्ट्रांग लेडी, वीक हुई और फिर वापस से स्ट्रांग हो गई, वहीं से भगवान ने आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाया। हाँ तो नीम करोली बाबा का चमत्कार ये है कि मैं 2023 में उनके पास गई थी और आज 2024 में मैं आपके पास बैठी हूँ। तो आज मैं जितना बैठ पाई हूँ, सफर करके आई हूँ, या जितना पॉजिटिव रह के आपसे बात कर रही हूँ, वो सब उन्हीं की देन है, क्योंकि मैं मर चुकी थी। तो नीम करोली बाबा की जय हो। जय हो। दैट्स रियली नाइस। मैम एक हम एस्ट्रोलॉजी सेशन आपके साथ करेंगे जी। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, पहले आप ये बताइए। हाँ मैं वैसे तो कर्मों पे ज्यादा बिलीव करती हूँ, बट हाँ सम टाइम तो डेफिनेटली। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम अपनी। 5 सितंबर 1984। तो बर्थडे गया मैम का अभी। हाँ नाइस। चलिए 5 सितंबर। पहले मैं आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बताऊंगी। 5 नंबर हमारा मर्करी का होता है, ठीक है। जो मर्करी वाली पर्सनालिटीज होती है वो एक ऐसी होती है, वो दिल की बातें ना जल्दी बयान नहीं करते जुबान पे, वो थोड़ा टाइम आने पे कि हाँ धीरे धीरे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट एक चीज होती है वो जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है,
अगर कोई उनको कन्विंस करने पे आ जाए ना तो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं. तो उनकी एक वीक पॉइंट भी बोल सकते हो और एक अच्छा भी बोल सकते हो. तो उनके लिए एक यही गाइडेंस निकल के आती है कि जल्दी मैनिपुलेट मत होइए, अपना डिसीजन पहले दिमाग में सोचिए, उसके बाद ही आगे चीजें इम्प्लीमेंट करिए. ठीक है, बिल्कुल. चलिए तो भी बिल्कुल. तो अभी आप कार्ड से कुछ क्वेश्चंस इफ यू कैन आस्क एनीथिंग. मैंने पहले आपका शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी. जी, टैरो कार्ड्स में मुझे बहुत ज्यादा सम टाइम बिलीव होता है. मैंने 2007 में जब मैं स्टडी कर रही थी तब टैरो कार्ड्स एक ज्ञानजी नाम के किसी आदमी से दिखवाया था. वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड था. अच्छा, ठीक है. तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, तब मैं थी कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है किसी भी कीमत पे. मैंने यूपीएससी की तैयारी करी. तो बोले सरकारी नौकरी है नहीं, सोशल मीडिया पे फेम है और कुछ ऐसा रास्ता चूज करेगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा. तो मैं हंस के आई थी उनके पास और मेरी लाइफ में वही घटना घटी है सारी. देख लो, तो टैरो कार्ड्स में मुझे वहां पे बिलीव है. और अब अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन मेरे फ्यूचर को लेके ही है, स्पेशली इन योर ट्रस्ट जो आप रन कर रहे हैं ना. हमारा देश, हमारी जवान ट्रस्ट. देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सी अंधेरी रातें आई हैं बट आप स्टिल चल रहे हो. हर्मिट का कार्ड है. भले एक बोलते ना, एक देखो एक डार्क साइड है इस कार्ड की. बहुत सी चीजें आपने फेस करी है इस ट्रस्ट में. मैं ओवरऑल स्ट्रेस की बात कर रही हूँ बट फिर भी आप चलते आए हो, आप रुके नहीं हो. अरे यार, सपोर्ट आपको आगे चल के इतना मिलने वाला है, रुकना नहीं है. बट देखो आगे भी शायद थोड़े हर्डल्स क्या पता फेस करो. बट अगर आप नहीं रुकते हो तो अनएक्सपेक्टेड मनी डोनेशन सपोर्ट किसी की साइड से भी आपको मिल सकता है. तो अगर आप इस चीज पे फोकस रहोगे कि हाँ यार मुझे ऑब्वियसली यार आप तो बहुत मोटिवेटेड हो, आपको शायद मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. बट जैसे आप चल रहे हो ना वैसे आप चलते रहे. एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको एक भगवान दिलाने वाला है आपकी ट्रस्ट को. और वो भी अगर मैं प्रेडिक्शंस की तरफ जाऊं तो 9 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं. 9 मंथ्स की एक प्रेडिक्शन है कि माइट बी वो आपके लिए ट्रस्ट के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगी. तो 9 मंथ्स के अराउंड करिए और फिर हमें बताइए हमारी प्रेडिक्शन कितनी सच हुई है. डेफिनेटली डेफिनेटली. ठीक है, मेरा बहुत बिलीव है. हाँ, तो मैं यही सोच के आई थी कि चलो देखते हैं इस बार क्या होता है. हाँ, होगा, डेफिनेटली होगा. बट अब रुकना मत क्योंकि शायद चैलेंजेस आपने जो फेस किए हैं कुछ और भी आए एक दो महीने के लिए. कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं बट वो जो ऊपर भगवान आपको देगा ना वो छप्पर फाड़ के देगा और वो ऐसे देगा कि आपको पूरी दुनिया याद रखने वाली है. सर, थैंक यू सो मच. मुझे बस यही दुआ चाहिए कि जब अब तक नहीं हारी तो शायद उसने बहुत कुछ लिख रखा है, वरना हरा तो वो पहले ही देता मुझे. बिल्कुल, इसीलिए हिम्मत जुटाई रखी है आपने और वो जुटाई रखे. सो थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए. हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, हमारा पूरा ऑरा निखर के आ गया आपके सामने. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मेरी भी आप बीती आप तक पहुंची और आपके चैनल से दुनिया तक पहुंचे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.